एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सांस किचन। आई होप सो आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं न्यू वीडियोस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आपके लिए लाती रहूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसे बोलते हैं रबड़ीदार खीर। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनती है और खाने में और देखने में तो बहुत ही लाजवाब होती है। आपके घर में गेस्ट भी आते हैं या कोई फेस्टिवल है तो तब आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए, इसकी सामग्री इस प्रकार है। मैंने लिया है 1 कप चावल। आपको आपके घर में जो चावल हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने 1 कप चावल लिया है। 5 से 6 इलायची लिए हैं। मैंने कुछ लच्छे केसर के लिए हैं। ये ड्राई फ्रूट्स है, इसमें मेरी काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट और ये मगज या खरबूजे के बीज, आपके यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, मैंने वो लिया है। और 1 लीटर फुल फैट मिल्क, फुल फैट या आपके घर में जो भी मिल्क हो आप वो ले सकते हैं। मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, भैंस का दूध जिसको बोलते हैं या फुल क्रीम दूध, या आपके घर पे जो भी अवेलेबल हो आप वो लीजिए। ठंडा लीजिए, जो गर्म हुआ है वो लीजिए, जो मर्जी आप कोई भी लीजिए। तो चलिए अब हम रबड़ीदार खीर बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। मैंने उस पर एक हैवी बॉटम की कढ़ाई, लोहे की हो, सिल्वर की हो, नॉनस्टिक हो, जो मर्जी आप लीजिए, और उसमें सबसे पहले आप 1 चम्मच घी डाल दीजिए। दूध डालने से पहले, घी डालने का पर्पस है कि जो नीचे तली में हमारा दूध जलेगा भी नहीं और लगेगा भी नहीं। तो चलिए, मैं अपना जो दूध है 1 लीटर मैं ये कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। थोड़ा सा दूध मैंने रख लिया है, आगे चल के बताऊँगी कि ये जो थोड़ा सा दूध मैंने रखा है ये मैंने किस लिए रखा है। और आप दूध को ऐसे गर्म करते हुए चलाते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा दूध ये बॉईल होता है तो ये जो मैंने 1 कप चावल लिया था फ्रेंड्स, मैंने इनको करीब आधा घंटा पहले अच्छे से धो के इनको सोख भिगो के छोड़ दिया था पानी में, ताकि अच्छे से ये भीग जाएं और ये फूल जाएं। ये देखिए, मैंने इनको आधा घंटा पहले धो के और सोख करके छोड़ दिया था पानी में, ताकि अच्छे से फूल जाएं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कुछ दूध बचा लिया था मैंने उसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया, एक कटोरी में, और जो केसर के लच्छे थे मैंने इसमें डाल दिया है, ताकि जो केसर का कलर है वो अच्छे से दूध में आ जाए। जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तब तक हमने केसर को दूध में छोड़ दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध में उबाल आ गया है। तो बस आप गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिए, ताकि दूध उबले ना और अच्छे से ये, मतलब देसी भाषा में बोलते हैं ना कि काढ़ना, मतलब इसको हमें थिक करना है। ऐसे ही बॉईल करते हुए चलाते हुए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए फ्रेंड्स, जब तक हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो रहा है तो हमने हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं हम इनको कट कर लेते हैं। ना ज़्यादा मोटा करेंगे ना ज़्यादा पतला, आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं ग्रेटर की हेल्प से, या आप कट कर लीजिए जैसे आपको सूटेबल हो आप वो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ग्रेटर की हेल्प से ड्राई फ्रूट्स को ग्रेट कर रही हूँ, बस किशमिश को छोड़ के बाकी सभी को मैं ग्रेट कर लूँगी। ना ज़्यादा बारीक पाउडर करेंगे ना ज़्यादा मोटा, बस दरदरा हमें करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सभी ड्राई फ्रूट्स को बस ऐसे दरदरा ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। आप हाथ नाइफ की हेल्प से आप इसको कट भी कर सकते हैं, बट मैंने इनको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, जो हमारी ये इलायची है हमें इसको अच्छे से कूट लेना है। जो इसके छिलके हैं वो हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ जो इलायची के दाने हैं हम उनको यूज़ करेंगे। तो चलिए, इनको भी हम अच्छे से कूट लेते हैं।
अभी देखिए फ्रेंड्स, अब जो ये चावल मैंने आधा घंटा सोक करके रखा था, अब मैं इनको मिक्सी या किसी भी ग्रेटर में डाल के आप इनका दरदरा पेस्ट बना लीजिएगा। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का दरदरा आपको बनाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हल्का दरदरा पेस्ट बनाया है, एकदम फाइन पेस्ट नहीं है। ये देखिए, फ्रेंड्स जो हमने चावल का दरदरा पेस्ट बनाया था, अब हम इसको दूध में मिक्स कर देते हैं ताकि जो चावल है कच्चे हैं वो भी अच्छे से पक जाए। चावल को दरदरा पीसने का मेरा पर्पस ये है कि अगर हम बिना पीसे भी डाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर चावल को अगर हम दरदरा पीस लेते हैं तो उससे ना जो हमारी रबड़ीदार खीर है वो और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि चावल के दाने पिस चुके होते हैं और जब वो पक जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा मतलब खाने में भी टेस्टी लगते हैं और वो ज़्यादा मतलब शो नहीं होते हैं, लाइक एक थिकनेस जो आती है ना वो उसी वजह से आती है रबड़ीदार में। हम ना इसमें कोई कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम ये अरारोट वगैरह हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम एक बार जैसे एक नेचुरल होता है ना कि दूध को कढ़ाते जाओ उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो बस हम इसलिए, ये देखिए अभी कच्चा चावल कच्चा है तो वो बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। देखिए अब जैसे चावल धीरे धीरे पकेगा तो वो ऊपर आने लगेगा, दिखने लगेगा। चावल में अपना स्टार्च होता है तो वो छोड़ेगा तो उससे क्या होता है ना, खीर और थिक होती जाती है, रबड़ीदार होती जाती है। ये देखिए अभी जो खीर है वो धीरे धीरे थिक होने लगी है। फ्रेंड्स जो हमने दूध में केसर भिगो के रखा था, इसको एक पर्पस है हमारा भिगो के रखने का, इससे क्या ना केसर की खुशबू होती है, कलर होता है, वो बहुत अच्छा आता है। और अगर हमारी जो खीर है जो रबड़ीदार खीर हम बना रहे हैं, अगर वो ज़्यादा थिक हो जाती है तो उसको हम इससे बैलेंस कर सकते हैं। ये ज़्यादा थिक भी नहीं होती है, ये ज़्यादा पतली भी नहीं होती है, तो इसलिए इसको रबड़ीदार खीर बोलते हैं। तो इस स्टेज पर हम इस दूध को इसमें डाल देते हैं ताकि जो केसर का कलर है, जो उसकी खुशबू है, वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। और जो रबड़ीदार खीर का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर है वो कितनी ठीक हो गई है, हमारे जो चावल है वो पकने लगे हैं। ये देखिए हमारी खीर पहले से कितनी ठीक हो गई है, आप ऐसे करछी से देख सकते हैं। ये देखिए चावल को दरदरा पीसने का यही पर्पस था कि हमारी जो थिकनेस है खीर की वो एकदम नेचुरल आएगी, खीर का भी टेस्ट होगा, जो रबड़ी का एक टेस्ट होता है वो भी इसमें आएगा। अगर आप अपने गेस्ट के लिए फेस्टिवल सीज़न में बनाएंगे तो आपके सभी गेस्ट को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सबको बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगे। देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी इलायची थी मैंने उसके छिलके हटा लिए हैं और इसमें मैंने इसके सिर्फ बीजों को यूज़ किया है जस्ट इसकी खुशबू के लिए। तो जो ये छिलके आप इनको चाय वगैरह में या किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। हम जस्ट इनके बीजों को दरदरा कूट के डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब चावल हमारे ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे, मैं इनको भी इसमें डाल रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। मैं इन सभी चीजों को अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि जो ड्राई फ्रूट्स का हल्का सा कच्चापन होता है ना वो एकदम खत्म हो जाए।
उनकी जो खुशबू है सभी चीज़ों की कुछ दूसरे के साथ मिक्स हो जा रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अगर आपको लगे कि आपका जो रबड़ीदार खीर है वो ज़्यादा ठीक है तो आप इसमें और दूध ऐड कर सकते हैं, बट मुझे ये नहीं लग रही है क्योंकि अभी हमें इसमें चीनी भी ऐड करना है। अब आप बोलेंगे कि चीनी मैंने लास्ट में क्यों ऐड किया, मैं स्टार्टिंग में भी चीनी डाल सकती थी, बट चीनी सबसे लास्ट में, खीर हो या रबड़ीदार या चावल के साथ की कोई भी रेसिपी हो, हम सबसे लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि चावल हमारे अच्छे से पक जाए। अगर हम खीर में पहले ही अगर चीनी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है ना कि हमारे चावल अच्छे से पकते नहीं हैं। यही वजह होती है कि हमारी खीर या कुछ भी ऐसी चीज़ जो चावल से बनाते हैं हम चीनी पहले डाल देते हैं तो वो चीज़ अच्छे से पकती नहीं और वो टेस्ट नहीं आती। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना कप मैंने चावल लिया था मैंने उससे आधा कप ही चीनी ले रही हूँ। अब आप बोलेंगे कि इतनी खीर में आधा कप चीनी क्यों, मैं इसका जो राज है मैं वो बाद में बताऊंगी। बस मैं इतनी ही चीनी अभी इसमें फिलहाल डाल रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि मैंने इतनी कम चीनी इसमें क्यों डाली है, क्या वजह है। आप अच्छे से चीनी को मिक्स कर दीजिए। चीनी डालने के बाद में चीनी भी मेल्ट होती है तो हल्का लिक्विडी हो जाएगी। पड़ीदार खीर बना रहे हैं तो थिकनेस तो बनती है। अब फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया है, मैंने उसमें एक फ्राई पैन रखा है और जितना कप मैंने चावल लिया था मतलब उससे एक तिहाई मतलब ज़्यादा आधे कप से ज़्यादा मैंने चीनी लिया है। इसको कैरमलाइज होने के लिए छोड़ दीजिए, आपको इसको कुछ नहीं करना है, आप बस फ्राई पैन में डाल के कोई पानी नहीं डालना है, कुछ नहीं डालना है, बस हाई फ्लेम पे आप इसको मेल्ट होने दीजिए। और जो हमारी रबड़ीदार खीर है उसकी फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे। इस स्टेज पर हम बिल्कुल इसको लो कर देंगे। अब बिल्कुल भी इसको चलाइएगा नहीं, बस ऐसे ही पैन में डाल के छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी जो शुगर है। ये देखिए ये धीरे धीरे अब मेल्ट होने लगी है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी ऑलमोस्ट जो चीनी है वो मेल्ट हो गई है, तो बस आप इसको ऐसे मिक्स कर दीजिए ताकि जो चीनी है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाए, एकदम क्रैम कलर जब चेंज कर लेगी उसको कैमलाइज बोलते हैं, तो बस वही हमें करना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जितनी भी शुगर थी वो अच्छे से मेल्ट हो गई है, बस आप इसको चलाते हुए हमें इसका कलर चेंज करना है, एकदम डार्क कलर, डार्क गोल्डन कलर में लेके आना है। देखिए क्योंकि यहाँ पे आके जो चीनी है वो थिकनेस पकड़ती है और कलर ये देखिए एकदम गोल्डन कलर हो गया है हमारा। बस यही इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स जो हमारी रबड़ी है हम इसमें इसको ट्रांसफर कर लेंगे। और इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दीजिए। यही वजह थी फ्रेंड्स कि मैंने चीनी कम डाला था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे चीनी को कैमलाइज करके इसमें मिक्स करना था। आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आप इसको इसको तेज़ी से इसमें मिक्स करना होगा क्योंकि हमें चीनी को कैमलाइज कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स कैसे कलर चेंज हो गया है, एकदम रबड़ी वाला कलर आ गया है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है इस तरह से, और थिकनेस है वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट आई है, ना ज़्यादा पतली है ना बहुत ही ज़्यादा थिक, एकदम रबड़ी वाली थिकनेस हुई है। फ्रेंड्स बस इस स्टेज पर आने के बाद हम अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक हो जाती है, एकदम रबड़ी की तरह हो जाती है। इसको रूम टेम्परेचर पर आने दीजिए।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको काजू, बादाम और किशमिश और बाकी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश किया है। एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है, बिल्कुल रबड़ीदार।